हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ और भी नए टाइप के वीडियोस लेकर आ पाऊँ, तो उसी कड़ी में मैं एक नया सीरीज लेकर आया हूँ जहाँ पर हम मोटिवेशंस के बारे में बात करेंगे, लाइफ कोच के बारे में बात करेंगे, थॉट्स के बारे में बात करेंगे, एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर, मेरे साथ कुछ समस्या है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने बच्चे से पूछा, बेटा क्या है तुम्हारी समस्या? तो उसने कहा कि सर, कई बार मैं फील करता हूँ कि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, या मैं थोड़ा सा गंवार टाइप का हूँ। कई बार इस चीज़ का मुझे गिल्टी फील होता है, क्योंकि कई दोस्त मुझे कहते हैं, यार ये जो हम बातें कर रहे तेरे समझ की नहीं है, ये तेरे लेवल का नहीं है। तो अगर हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, या आपको ऐसा फील होता है कि शायद मेरे अंदर टैलेंट कम है, या मैं उतना समझदार नहीं हूँ, या मेरा दिमाग उतना तेज नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, मेरी मास्टरी इंग्लिश के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीचेस, पेरेंटिंग्स, ये सब चीज़ों में भी है। मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल के लिए काम करता हूँ, जहाँ पर मुझे ऐसे गेस्ट लेक्चर बुलाया जाता है, एज ए पैनलिस्ट मैं बैठता हूँ, और जहाँ पर हम ऐसे काम की बातें बताते हैं। तो अगर आप में से ऐसा लगता है कि लोग आपको कम आंकते हैं, या आपको गंवार समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, घोचू समझते हैं, या हूतिया समझते हैं, तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ को आप समझिए, ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। हर एक बच्चा जब धरती पर पैदा होता है तो कोई ना कोई टैलेंट लेकर पैदा होता है। आप लोग बड़े बुजुर्ग के मुँह से सुने भी होंगे, और आप लोग कहते भी हैं कि चाइल्ड इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, बच्चे जो हैं भगवान के गिफ्ट होते हैं। ठीक, अब आप ये सोचिए कि कभी आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो तो क्या मुंह उठा के हम कोई भी गिफ्ट दे देते हैं? डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ डाला जाता है ताकि जब वो खोले तो उसे अच्छा लगे। ठीक उसी तरह से आप कह रहे हो कि चाइल्ड इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड जो है गिफ्ट बना के भेज रहा है, तो क्या बच्चे को जब वो गिफ्ट बना के भेज रहा है तो खाली भेजेगा? नहीं, भगवान कोई ना कोई टैलेंट उसके साथ जरूर देता है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने टैलेंट को समझ नहीं पाते हैं, और हम कहते हैं कि यार मेरे पास टैलेंट नहीं है। हर एक बच्चे के पास कोई ना कोई यूनिक टैलेंट है, आपके पास भी है। मेरे पास अगर कोई यूनिक टैलेंट है तो दूसरे के पास भी होगा। हाँ, उसका टैलेंट दूसरा हो सकता है, किसी का सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, बशर्ते क्या हो कि उस टैलेंट को हम पहचाने। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हर एक इंसान के पास टैलेंट होता है। एक बच्चा एक गांव से गुजर रहा था, तभी देखता है कि पेड़ के नीचे एक मूर्तिकार बहुत बड़े पत्थर पर छीनी हथौड़े से वार कर रहा था। बच्चे के मन में एक सवाल उठता है, उससे जाके पूछता है कि आप क्या बना रहे हैं, क्या आप मूर्ति बना रहे हैं क्या? वो मूर्तिकार कोई जवाब नहीं देता, बस छीनी लेकर उस हथौड़े से उस पत्थर पर वार करता रहता है। बच्चा फिर से पूछता है, क्या आप मूर्ति बना रहे हैं? मूर्तिकार कोई उत्तर नहीं देता। झल्लाकर बच्चा पूछता, आखिर आप कर क्या रहे हैं, मूर्ति नहीं बना रहे क्या? तब वो मूर्तिकार उत्तर देता है, माफ करना बेटा, मैं मूर्ति नहीं बना रहा हूं, मूर्ति तो पहले से ही इस पत्थर के अंदर है, मैं तो बस उस मूर्ति के आसपास लगे हुए अवांछित पत्थरों को, टुकड़ों को काट काट के छाट रहा हूं, हटा रहा हूं। जैसे उनमें फालतू पत्थरों को हटा दूंगा तो इस शिलाखंड के अंदर से मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो समझने की बात इस कहानी से यह है कि मूर्ति पहले से ही अंदर है, बस हम उन अवांछित पत्थरों को हटा देते हैं जिससे हमको मूर्ति दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं टैलेंट तो हमारे पास है, लेकिन उस टैलेंट को हम नहीं पहचान पा रहे, उस टैलेंट तक हम नहीं पहुंच पा रहे। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग गाँव से भी होंगे, और जो लोग शहर में रहते हैं कभी ना कभी आप भी अपने गाँव गए होंगे। कभी आप गाँव जाइए, आप कभी किसी को कुआं खोदते हुए देखे हो? कुआं कैसे बनाया जाता है? तो कुआं बनाने का प्रोसेस क्या है कि एक जमीन को चिन्हित किया जाता है, ठीक, सर्कल बनाया जाता है,
और खोदने का काम शुरू हो जाता है। 10-20-30-40 मजदूर खोदना शुरू करते हैं, 5 फीट 10 फीट 20 फीट 40 फीट। 30-40 फीट जब गड्ढा हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है? तो क्या लगता है कि बाहर से फिर मजदूर पानी लेकर उसमें डालते हैं, ड्रम लेकर या पाइप के माध्यम से उसके अंदर पानी डालते हैं? नहीं, ऐसा कुआं नहीं बनाया जाता है, बस खोदा जाता है, खोदने का काम चलता है। खोदते खोदते आप पता चलता है कि कुछ समय के बाद हमको पानी प्राप्त हो जाता है। पानी तो पहले से ही अंदर है, हम बाहर से नहीं लाते, पानी पहले से ही अंदर है, बस हमारे और पानी के बीच बहुत सारा कंकड़ पत्थर मिट्टी है। उन्हीं कंकड़ पत्थर मिट्टियों को हटा लिया जाता है, पानी नामक टैलेंट तक हम पहुंच जाते हैं। तो अंदर में पानी है, अंदर में टैलेंट है, उसी टैलेंट तक हमको पहुंचना है। तो आज के बाद से ये चीज़ को कहना बंद कीजिए कि मेरे पास टैलेंट नहीं है। हर एक इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट है, भगवान ने हर एक इंसान को अद्वितीय बनाया है, इस चीज़ को आप समझिए। अद्वितीय का मतलब हम भिन्न है दूसरों से, सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक कंटेंट है, क्वालिटी है। आप देखिए, दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, दो इंसान तो छोड़िए, दो पेड़ एक जैसे नहीं है, दो पेड़ तो छोड़िए, दो पत्ते एक जैसे नहीं है, दो कंकड़ एक जैसे नहीं है, हर एक अलग अलग है। भगवान ने सबको अद्वितीय बनाया है, लेकिन हमारे साथ तो समस्या क्या है कि हम कंपेयर करते हैं कि यार वो अच्छा सिंगिंग कर लेता है, अच्छा डांस कर लेता है, अच्छे मार्क्स ले आता है, हम तो नहीं ले आ पाते, मतलब मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। तो हो सकता है कि आपका पढ़ाई में वो टैलेंट ना हो, सिंगिंग में ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप आर्टिस्ट हो, आप अच्छा स्केच बना सकते हैं, आप अच्छा एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, जो किसी और फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। भाई अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, महान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कमज़ोर हो गए या हम कम हो गए। कहीं ना कहीं हमारा कुछ ऐसा टैलेंट होगा जो अमिताभ बच्चन पे भारी पड़ेगा, ठीक है। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन गारंटी नहीं कि अच्छा गा भी ले और अच्छा डांस भी कर ले। तो जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, पहली बात तो कंपेयर करना भी बहुत खतरनाक है, ये हम अपने आप को इंसल्ट करते हैं किसी को हम कंपेयर करें। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो दूसरे की क्वालिटीज़ में आप अपनी क्वालिटीज़ ढूंढने का प्रयास करते हो, तो हो सकता है कि आपके पास वो टैलेंट, वो क्वालिटी ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने आप को कभी भी मत कम आंकिए। भगवान ने आपको कोई ना कोई टैलेंट भेजा है, कहीं ना कहीं कोई टैलेंट है, हम उस टैलेंट तक नहीं पहुंच पा रहे, बस उसी को ढूंढना है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि हम अंदर के अपने टैलेंट को, इनर जो क्वालिटीज़ हैं, कंटेंट्स हैं, अपने जो अंदर के जो प्रतिभा है, उसको कैसे पहचाने। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल वीडियो था जो मैं YouTube में डालने जा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँ, इस तरह से कोई मोटिवेशनल बातें, लाइफ कोच के बारे में बातें, अपने थॉट्स, थिंकिंग, पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई चीज़ें मैं बनाऊँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो मैं इसको फिर बहुत अच्छे तरीके से पूरे फुल फॉर्म में मैं इसको बनाने का प्रयास करूँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इट्स माई रिक्वेस्ट कि वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।